अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएस हादी ऑफिशियल। आज हम स्टार्ट करने वाले एमआरआई का चैप्टर नंबर 6, सीक्वेंस 2 एसेसरी टेक्निक्स। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फैट सेपरेशन के बारे में। फैट सेपरेशन में हम इस तरह करते हैं कि सबसे पहले इन्वर्टिंग 180 डिग्री पल्स अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से जितने भी प्रोटॉन होते हैं फ्रॉम द पॉजिटिव साइड ऑफ द जेड एक्सिस चले जाते हैं टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड ऑफ द जेड एक्सिस। इसके बाद प्रोटॉन की रिकवरी होती है तो वो दोबारा से फ्रॉम द नेगेटिव साइड ऑफ द जेड एक्सिस से अलाइन होना शुरू कर देता है टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड ऑफ द जेड एक्सिस। फिर एक स्टेज आती है जिसे हम कहते हैं जीरो मैग्नेटाइजेशन, यानी ना तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन इस टाइम होता है और ना ही ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन होता है, वेक्टर दरमियान में होता है। इसे हम कहते हैं हाफ वे रिकवरी। तो सेम इसी टाइम पे हम एक्साइटेटरी 90 डिग्री पल्स को अप्लाई कर देते हैं, जिसकी वजह से फैट के सिग्नल सप्रेस हो जाते हैं, हमें कोई सिग्नल्स नहीं मिलता क्योंकि जितने भी सिग्नल्स हमें मिलते हैं वो ट्रांसवर्स प्लेन पे मिलते हैं। फैट सप्रेशन हम कहते हैं नलिंग सिग्नल्स फ्रॉम द एडिपोज टिश्यूज, यानी फैट से मिलने वाले सिग्नल्स को सप्रेस कर देना, नल कर देना। बेसिकली फैट सप्रेशन हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि वो टिश्यूज़ जिनका T1 शॉर्ट है उनको डिफ्रेंशिएट किया जा सके फैट से। फैट तो ऑटोमेटिकली सप्रेस हो जाएगी, लेकिन जो अदर शॉर्ट T1 वाले टिश्यूज हैं जिनका टाइम ऑफ रिलैक्सेशन कम है, जैसा कि हम कंट्रास्ट यूज़ करते हैं किसी भी लेजेंस को इन्हांस करने के लिए, गैडोलिनियम, म्यूकॉइड, मेलानिन, तो बेसिकली फैट सप्रेशन करने से फैट तो सप्रेस हो जाती है, लेकिन ये जितने भी टिश्यूज़ हैं जिनका टाइम ऑफ रिलैक्सेशन T1 शॉर्ट है, ये में अच्छे तरीके से विजुलाइज होते हैं टू इन्हांस द लेजन। फैट सेपरेशन करने से हम किसी भी लेजन के अंदर या किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर फैट को डिटेक्ट कर सकते हैं और इसको सप्रेस कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो आर्टिफैक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे थे फैट की वजह से वो भी मिनिमाइज हो जाते हैं। 5 बेसिक टेक्निक्स को यूज़ करते हुए हम फैट सेपरेशन करते हैं, वन बाई वन हम सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नंबर पर आती है फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव फैट सेपरेशन। बेसिकली इस टेक्निक के अंदर जितनी फैट के या लिपिड की फ्रीक्वेंसी होती है उतनी ही सेम रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी हम यूज़ करते हैं, जिसके बाद हम स्पॉइलिंग ग्रेडियंट पल्स का यूज़ करते हैं टू डीफेज द लिपिड सिग्नल्स। इसके बाद जितने भी सिग्नल्स हम डिटेक्ट करते हैं उनके अंदर फैट या लिपिड का कोई सिग्नल नहीं होता। हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं चेस केमिकल शिफ्ट सेलेक्टिव। इस टेक्निक को यूज़ करते हुए हम किसी भी टिश्यू को सप्रेस कर सकते हैं और साथ ही सिलेक्टिवली टिश्यू को एक्साइट कर सकते हैं, चाहे वो फैट का हो या चाहे वो वाटर प्रोटॉन हो। ये टेक्निक हम इस फैट सेपरेशन का प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले एज अ प्रिपरेशन पल्स यूज़ करते हैं। उसके बाद हम जब सीक्वेंस को रन करते हैं तो फिर हमें फैट से कोई भी सिग्नल नहीं मिलता। फिर फैट सेलेक्टिव चेस जो हम यूज़ कर रहे थे केमिकल शिफ्ट सेलेक्टिव वाली, उसके कुछ वर्जन्स हैं जिनके अंदर फैट सेट आता है, स्पेशल आता है, स्पिर एंड स्पेयर। उसके बाद आती है दूसरी टेक्निक जिसको यूज़ करके हम सिग्नल्स को सप्रेस करते हैं, जिसका नाम है स्टिर शॉर्ट टर्म इन्वर्जन रिकवरी। प्रीवियस चैप्टर के अंदर भी हमने ये डिस्कस किया था कि स्टिर के अंदर हम शॉर्ट टाइम ऑफ इन्वर्जन यूज़ करते हैं जिसकी रेंज 80 से लेकर 150 के दरमियान होती है। इसके अंदर हम दोनों T1 वेटेड इमेजेस और T2 वेटेड इमेजेस दोनों को ले सकते हैं, यानी एनाटॉमी भी आ सकती है और पैथोलॉजी भी आ सकती है। इस सीक्वेंस के अंदर हम फैट को भी सप्रेस करते हैं एंड वाइट मैटर के सिग्नल्स को भी सप्रेस करते हैं, क्योंकि वाइट मैटर भी फैट का ही बना होता है। इसके अलावा इसको हम बॉडी इमेजिंग के लिए यूज़ करते हैं एंड कैन नॉट बी यूज इन पोस्ट कंट्रास्ट इमेजेस। पोस्ट कंट्रास्ट का मतलब है कि कंट्रास्ट देने के बाद हम इस सीक्वेंस को यूज़ करके इमेजेस नहीं ले सकते हैं। फिर तीसरी टेक्निक हमारे पास आती है आउट ऑफ फेज इमेजिंग। इन फेज हम उसे कहते हैं जिसके अंदर प्रोटॉन अपनी सेम प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी के साथ एक साथ घूम रहे हों, जबकि आउट ऑफ फेज हम उसे कहते हैं जिसके अंदर प्रोटॉन डिफरेंट प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी के साथ मूव कर रहे हों। सो आउट ऑफ फेज इमेजिंग का यूज़ करके हम फैट टिश्यू को सप्रेस कर सकते हैं। फैट की अपनी प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी होती है, जबकि वाटर की अपनी प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी होती है, दोनों अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी के साथ मूव कर रहे होते हैं। फैट की प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम होती है, जबकि वाटर की प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज़्यादा होती है, वो फास्टली मूव कर रहा होता है। इन दोनों की फ्रीक्वेंसीज के अंदर जो डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं केमिकल शिफ्ट। इसी डिफरेंशियल प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी की वजह से कुछ टाइम ऑफ इको के ऊपर हमें ऐसी इमेजेस मिल रही होती हैं जिसके अंदर फैट और वाटर दोनों इन फेज घूम रहे होते हैं, लेकिन एट सर्टन टाइम ऑफ इको वही फैट और वाटर एक दूसरे के अपोजिट मूव कर रहे होते हैं, यानी आउट ऑफ फेज हो जाते हैं 180 डिग्री टू ईच अदर एट 1.5 टेस्ला। अगर हम 4.45 ms और 8.9 ms की इको यूज़ करते हैं तो दोनों वाटर के प्रोटॉन एंड फैट के प्रोटॉन इन फेज मूव कर रहे होते हैं, लेकिन जब सेम पावर के ऊपर 1.5 टेस्ला के ऊपर
अगर हम टाइम ऑफ इको 2.23 ms या 6.69 ms यूज़ करते हैं तो फिर यही दोनों प्रोटॉन वाटर के और फैट के एक दूसरे के अपोजिट मूव करना शुरू हो जाते हैं, यानी आउट ऑफ फेज हो जाते हैं। जो इमेजेस हम इन फेज टाइम ऑफ इको के ऊपर ले रहे होते हैं उसके अंदर हम फैट और वाटर दोनों से मिलने वाले सिग्नल्स को मजमूई तौर पर एक साथ इकट्ठा करके इमेज लेते हैं, लेकिन जो इमेजेस हम आउट ऑफ फेज टाइम ऑफ इको के ऊपर ले रहे होते हैं वो दोनों टिश्यूज़ यानी फैट और वाटर के सिग्नल्स को सप्रेक्ट करके माइनस करके ले जाती हैं, यानी फैट के सिग्नल्स को सप्रेस कर दिया जाता है और बाकी जो सिग्नल्स होते हैं वो हमें ब्राइट नज़र आते हैं। आउट ऑफ फेस इमेजेस के ऊपर जितने भी स्ट्रक्चर हैं जो कि फैट के बने होते हैं या जितने भी लेयर्स हैं जिनके अंदर फैट प्रेजेंट होता है वो हमें डार्कर नज़र आते हैं एज़ कम्पेयर टू इन फेज इमेजेस। एक और इम्पोर्टेंट बात कि जब हम आउट ऑफ फेज इमेजेस लेते हैं तो उसके अंदर फैट तो डार्क नज़र आता है, लेकिन ये हमें तभी नज़र आएगा जब हम वॉक्सल्स के ऊपर दोनों टिश्यूज़ को स्टडी कर रहे हों, यानी फैट भी प्रेजेंट हो और वाटर भी प्रेजेंट हो, तो तब हमें फैट के सिग्नल्स डार्क नज़र आएंगे। अदरवाइज़ अगर हम सिंगल सिंगल स्टडी कर रहे हैं यानी फैट को अलग से स्टडी कर रहे हैं और वाटर को अलग से स्टडी कर रहे हैं तो फिर हमें ये ब्लैक नज़र नहीं आएगा, डार्क नज़र नहीं आएगा। फिर फोर्थ टेक्निक आती है डिक्सन मेथड। ये बेस्ड है इन फेज इमेजिंग एंड आउट ऑफ फेज इमेजिंग के ऊपर। इस मेथड को यूज़ करते हुए हम दो सेट के अंदर इमेजेस लेते हैं। एक सेट में हम इन फेज टाइम ऑफ इको के ऊपर इमेजेस लेते हैं जबकि दूसरे के अंदर आउट ऑफ फेज टाइम ऑफ इको के अंदर इमेजेस लेते हैं। अब अगर हम इन दोनों सेट्स को ऐड करते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ वाटर की इमेज नज़र आती है, वाटर ओनली इमेज। और अगर इन दोनों सेट को एक दूसरे से सब्सट्रैक्ट करते हैं तो सिर्फ हमें फैट ओनली इमेजेस नज़र आती हैं। फिर जो लास्ट टेक्निक आती है वो है वाटर सेलेक्टिव एक्साइटेशन। इसके अंदर हम कम्बिनेशन ऑफ शॉर्ट RF पल्स यूज़ करते हैं। दोनों टिश्यूज़ के प्रोटॉन एक्साइट होकर ट्रांसवर्स प्लेन पे आ जाते हैं, लेकिन चूँकि वाटर की प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है तो ये बाकी रह जाता है जबकि फैट का दोबारा वापस लंग्यूलर मैग्नेटाइजेशन पे चला जाता है। शॉर्ट RF पल्सेज हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि सिर्फ और सिर्फ वाटर के प्रोटॉन को एक्साइट किया जा सके, उन्हीं से सिग्नल्स आएँ। इसके नाम से ही जाहिर है वाटर सेलेक्टिव एक्साइटेशन, यानी सिर्फ और सिर्फ वाटर के प्रोटॉन को एक्साइट किया जाएगा। इसमें फैट के प्रोटॉन इसमें एक्साइट नहीं होते और ना ही इनसे सिग्नल्स आते हैं। इसके एग्जांपल्स में आता है प्रोसेट एंड वैट्स। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। स्टे ट्यून्ड विद अस।